वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मायावती देश की राजनीति का बहुत बड़ा नाम है। वो चार बार यूपी की सीएम बन चुकी हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रही हैं। बेहद मामूली से परिवार में जन्म लेने वाली मायावती ने अपने राजनीतिक करियर में जिन ऊंचाइयों को छुआ वो हर किसी को नसीब नहीं होती। आज मायावती जेड प्लस सिक्योरिटी में घूमती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें अपने भाई की जान बचाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल भागना पड़ा था, वो भी भाई को कंधे पर लाद कर। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। मायावती ने 2009 में अजय बोस की किताब बहन जी अ पॉलिटिक्स बायोग्राफी ऑफ मायावती में अपने जीवन से जुड़ा वो किस्सा बताया था, जब उन्होंने अपने भाई की जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी। बकौल मायावती, जब वो 11-12 साल की रही होंगी तब उनके 4th भाई सुभाष का जन्म हुआ, लेकिन पैदा होने के कुछ दिन बाद ही सुभाष को भयंकर निमोनिया ने जकड़ लिया। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन मायावती के पिता शहर के बाहर थे, माँ भी बहुत बीमार थी और भाई छोटे छोटे थे। मायावती को अपने भाई के इलाज के लिए गांव से 6 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल ले जाना था, क्योंकि उनके पिता के सरकारी कर्मचारी होने के कारण इलाज मुफ्त में होता। मायावती को पता था कि अगर उनके भाई को जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। मायावती ने भाई को लेकर अस्पताल जाने का फैसला किया, लेकिन घर में पैसे नहीं थे इसीलिए वो गाड़ी से नहीं जा सकती थी। इसीलिए मायावती ने अपने भाई को कंधे पर बैठाया और निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था जो जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में जब भाई रोता तो पानी की बोतल से उसे 2 घूंट पानी पिला देती, कभी गोद में तो कभी पीठ पर भाई को दाएं बाएं करते हुए आखिरकार मायावती अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर मायावती ने भाई को जरूरी इंजेक्शन दिलवाए, दवाइयां ली और फिर वापस पैदल ही घर की ओर उसी रास्ते से निकल पड़ी। रात के 9:30 बजे के करीब वो अपने घर पहुंची थी। बेटे की सेहत में सुधार देखकर मायावती की मां खूब खुश हुई थी। उन्होंने मायावती की सूझबूझ और हिम्मत के लिए उन्हें कसकर गले लगा लिया। किताब में ये किस्सा मायावती ने खुद सुनाया था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।